कल हम लोगों ने देखा था कि प्रतिरोध एल और ए इस तरह से देखा था, या हम ऐसा लिख सकते हैं, तो कुछ ऐसे छोटे छोटे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि एक ये तार है, इसकी लंबाई है एल, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ये है ए, इसका प्रतिरोध अगर आर है, मान लीजिए इसका प्रतिरोध आर है, तो अगर हम कहते हैं कि अगर इसकी लंबाई को खींच करके, स्ट्रेच करके इसको दूना कर दें, तो जब खींच करके इसको दूना कर देंगे तो ये पतला हो जाएगा, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा, और हम इसको कितना खींच करके पतला कर देंगे, मान लीजिए ये हो गया टू एल, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया, ए बाई टू। क्यों ए बाई टू हो गया, क्योंकि जो इसमें पदार्थ है उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम हमेशा बराबर होगा, तो वॉल्यूम कितना होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लंबाई। दूसरे हालत में वॉल्यूम क्या होगा, मान लीजिए ए डैश इंटू लंबाई कितना हो गया, टू एल, दूना लंबा कर दिए थे हम, तो अभी दोनों इक्वल होगा, तो ए एल बराबर ए डैश टू एल, तो ए डैश कितना हुआ, ए बाई टू। हम लोग ऐसे भी देख रहे हैं कि पतला हो गया, इसलिए इसका एरिया क्रॉस सेक्शन आधा हो गया, तो अब इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, अब इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, रो तो कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, इसकी लंबाई कितनी हो गई, दूनी हो गई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया, आधा हो गया, आधा हो गया, तो इसका प्रतिरोध कितना होगा, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एल, एल कितना हो गया, टू एल, एरिया कितना हो गया, ए बाई टू, तो ये किसके बराबर हुआ, टू इंटू टू एल बाई ए, या हम इसको लिख सकते हैं फोर रो एल बाई ए। तो अब ये प्रतिरोध जो है, नया वाला प्रतिरोध कितना हो गया, चार गुना, अगर हमने इसको डबल किया तो चार गुना होगा, और अगर तीन गुना हम करते एल को हम इसको तीन गुना कर दें, थ्री एल कर दें, तो फिर कितना हो जाएगा, नाइन टाइम्स हो जाएगा, ऐसे ही करके आप देख सकते हैं, तो फिर हमारा प्रतिरोध कितना हो जाएगा, नाइन टाइम्स हो जाएगा, इसलिए जो भी नया प्रतिरोध होगा वह एन स्क्वायर आर हो जाएगा। एन क्या है, दुगुना किया, तीन गुना किया, चार गुना किया, एन इज द रेशियो बाय विच द लेंथ इज इंक्रीज, ठीक है, तो इस तरह के सवाल आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, ऊर्जा आज सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है, हम चाहते हैं कि ऊर्जा स्वरूप ऐसा हो जिससे कि हमारा पोल्यूशन भी न हो, जिससे हमारा वातावरण ठीक रहे, हम ऐसा न कर दें कि जहां से हमें ऊर्जा मिल रही है वो स्रोत ही खत्म हो जाए, तो ये अभी तो उसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ विद्युत से हम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और उस ऊर्जा का उपयोग करते हैं, अपना वाहन चला सकते हैं, फैक्ट्री बना सकते हैं, मोटर्स चला सकते हैं, तो हमको ये देखना है कि ये विद्युत ऊर्जा कैसी है और इस ऊर्जा को हम कैसे अपने प्रयोग में ले आएंगे वो आगे की बात है, लेकिन कितना हम नुकसान रोक सकते हैं, कुछ थोड़ा बहुत ये सब भी हम इसमें पढ़ेंगे। देखते हैं कि ऊर्जा कहाँ है
और इसका स्रोत कैसे है, ये एक चालक है, इसकी लंबाई ये और बी है और धारा आई चल रही है, पोटेंशियल डिफरेंस या विभव है ये, ये है वी बी, ये जो है वी बी से, इसलिए वी ए माइनस वी बी जो है वो जीरो से बड़ा है, इसलिए करंट इसमें ए से बी की ओर बहेगी, करंट इसमें ए से बी की ओर बहेगी। अब हम ये सोच रहे हैं डेल्टा टी समय, मान लीजिए टाइम और डेल्टा टी, डेल्टा टी समय में एक चार्ज है डेल्टा क्यू, ये आगे बढ़ रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है, ए से बी की तरफ डेल्टा टी समय में डेल्टा क्यू ए से बी तक जाता है, ए से बी तक जाता है। तो इस काम को करने में, इस चार्ज को डेल्टा क्यू को ए से बी तक जाने में, हम देखते हैं कि ऊर्जा में, पोटेंशियल एनर्जी में क्या फर्क पड़ा या इसके पास कितनी ऊर्जा आई। तो ए पर, ए पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ए पर हम लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा कितनी है, वो है डेल्टा क्यू इंटू वी ए। यहां पर ए पर पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज के पास कितना है, डेल्टा क्यू इंटू वी ए। उसी तरह से बी पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है, चार्ज है वही और ये हो जाएगा बी। जब ये चार्ज यहां से, यहां शुरू में इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना था, ये था, बाद में इसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो जब यहां से यहां तक चला गया तो इस पोटेंशियल एनर्जी में अंतर कितना आया, तो अंतर हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कि यहां से जब यहां तक चला गया कितना होगा, जो अंतिम बी पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो बी पर पोटेंशियल एनर्जी है माइनस ए पर पोटेंशियल एनर्जी, बी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, डेल्टा क्यू इंटू बी, और यहां पर कितनी है, डेल्टा क्यू इंटू वी ए, यह है वी बी। और ये हम ये भी लिख सकते हैं कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डेल्टा टी, क्योंकि ये चार्ज डेल्टा क्यू डेल्टा टी समय में यहां से यहां तक आता है, इसलिए आई कितना होगा, आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ये हुआ पोटेंशियल एनर्जी में अंतर बी और ए में, और चूंकि हमको मालूम है कि वी ए जो है वी बी से बड़ा है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा क्यू माइनस वी ए माइनस वी बी, अरे पोटेंशियल इसको हमने लिख दिया माइनस डेल्टा क्यू इंटू वी। और इसी माइनस डेल्टा क्यू कितना है, आई डेल्टा टी, आई डेल्टा टी इंटू। तो यह है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जब चार्ज ए से बी तक पहुंचता है, ठीक है, और अगर कोई कोलिजन नहीं होता है तभी इलेक्ट्रॉन सीधी गति से चलते हैं, तो इसकी ऊर्जा में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसलिए हम ये कह सकते हैं जो इसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा वो भी इसी के बराबर होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन उल्टा होगा, या अगर ये माइनस है तो वो प्लस होगा, ताकि दोनों को जोड़ा जाए तो ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो न के बराबर हो, न के मतलब कोई ऊर्जा में परिवर्तन न हो। तो फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए, डेल्टा के आई के ई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जब डेल्टा क्यू चार्ज ए से बी तक पहुंचता है, तो निश्चित रूप से इसका माइनस हो जाना चाहिए और ये होगा माइनस डेल्टा पी ई, पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन, और ये किसके बराबर हो जाएगा, प्लस आई डेल्टा टी
इंटू वी, वी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, वी ए माइनस वी बी। हम चाहे तो लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वी, ठीक है। तो ये और ये दिस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन जीरो, और ये क्या था दिस इज स्मॉलर देन जीरो, ये जीरो से ज्यादा है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, ये जीरो से कम है काइनेटिक एनर्जी, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें कमी आ गई। लेकिन दोनों को जब जोड़ा गया तो ऊर्जा में परिवर्तन जीरो के बराबर है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जब इसमें धारा बहती है, धारा चलती है इस चालक में, तो ये कॉन्स्टेंट स्पीड में चलती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी पिछले दिनों हम लोगों ने देखा था कि हमेशा कॉन्स्टेंट है। तो जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, इसका अर्थ क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी में कोई वृद्धि नहीं हुई, काइनेटिक एनर्जी में कोई वृद्धि नहीं हुई। इसको ठीक से समझिएगा, काइनेटिक एनर्जी में कोई वृद्धि नहीं हुई, क्यों कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक स्थिर गति से चल रहे हैं, और जिसको हम वीडी कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसलिए इसके काइनेटिक एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन हमको दिख रहा है और जो क्या है जीरो से ज्यादा है, यानी परिवर्तन हो रहा है, तो कहां गया, कहां जाएगा, इसके बीच में जब कहीं कोई कोलिजन हो रहा है तो क्या होगा, यह जो ऊर्जा है वह उन एटम्स को मॉलिक्यूल्स को मिल जाता है, और वो एटम्स मॉलिक्यूल्स और तीव्र गति से वाइब्रेशन करने लगते हैं चालक में। तो जब तीव्र गति से वाइब्रेशन करेंगे अपनी ही जगह पर, तो क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी, हीट उत्पन्न होगा, और इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन हुआ वो उस चालक की ऊष्मा को बढ़ा दिया या उस चालक को गर्म कर दिया। तो जो काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन आया उसने क्या किया, चालक को गर्म कर दिया, और इसको हम कहते हैं कि यही जो है विद्युत ऊर्जा है, और यह विद्युत ऊर्जा गर्मी के रूप में या हीट के रूप में, इट इज ए लॉस, इट इज ए हीट लॉस इन द कंडक्टर। और इसको हम लोग कहते हैं ओमीय शक्ति लॉस, मैंने ओमीय, ओमीय क्यों कहते हैं, ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि इसके पास ओम है, इसके पास प्रतिरोध है, अगर प्रतिरोध नहीं रहता तो शायद ये लॉस नहीं होता, इसलिए हम इसको कहते हैं ओमीय शक्ति ह्रास या ओमीय शक्ति क्षय, ह्रास या क्षय कुछ भी कह सकते हैं। ये इसलिए है कि इसके पास ओमीय प्रकृति है, ओमीय प्रकृति का मतलब क्या हुआ कि इसके पास प्रतिरोध है, और प्रतिरोध हम हमेशा फिजिक्स में देखते रहे हैं, प्रतिरोध चाहे वो गति में हो या घर्षण में हो, हमेशा वो ऊष्मा भी उत्पन्न करता है, और वह ऊष्मा एक ऐसी ऊर्जा होती है जो क्षय के रूप में, तो इसलिए इसको हम कहते हैं ओमीय शक्ति क्षय। अच्छा, हम लोग ये भी देख रहे हैं कि एक जगह से यहां से इससे तार से बिजली को बहुत दूर ले जाते हैं, लेमैन की भाषा में इसको हम लोग बहुत दूर तक ले जाते हैं, इस दूर तक ले जाने में ये इसका प्रतिरोध एक आरसी जो है फिक्स है, तो बहुत नुकसान हो सकता है, और वो गर्मी के रूप में माने ऊष्मा के रूप में देयर विल बी लॉस इन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमको क्या करना चाहिए ताकि कम से कम लॉस हो, और उसको हम लोग कहते हैं पावर लॉस। पावर लॉस का मतलब क्या हुआ, शक्ति का क्षय, ये कम से कम हो। इसके लिए क्या करना चाहिए कि जो संयोजक तार हैं, तो हम ये लिखते हैं संयोजक तारों में कनेक्टिंग वायर्स में इसकी ऊर्जा का क्षय कितना होगा, आई स्क्वायर आर, ये ऊर्जा का क्षय इतना होगा आई स्क्वायर आर सी। और अभी इसके पहले हम लोगों ने यह भी देखा है कि आई कितना होगा, पी बाई वी।
तो ये पावर लॉस, ये पावर लॉस कब कम होगा, ये कांस्टेंट है कि जब वी का वैल्यू बहुत ज्यादा है। जब वी का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा तो पीसी का वैल्यू क्या होगा, पीसी कम होगा। इसीलिए आप देखते हैं या हम लोग देखते हैं कि जो बिजली को भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो बहुत ही हाई वोल्टेज पर भेजते हैं, बहुत हाई वोल्टेज पर भेजते हैं। और आप देखे होंगे खंभों पर लिखा रहता है सावधान 44,000 वोल्टेज या इस तरह से 22,000 वोल्टेज। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि पावर लॉस हमारा कम हो। और पावर लॉस कम करने के लिए यहाँ आपको दिख रहा है कि जब वी का मान बहुत ज्यादा होगा तो इस पीसी का मान कम होगा, इसलिए हाई वोल्टेज पर हमारा ट्रांसमिशन होता है। क्यों? कि हम चाहते हैं कि पावर लॉस मिनिमम हो, पावर लॉस कम से कम हो। अब हम लोग देखते हैं कि ये तारों को, जब तार हम कहते हैं तो हमारा अर्थ है कि प्रतिरोध, ये और प्रतिरोध को यानी रेजिस्टेंस को लिखने का ये ढंग है, आपको मालूम है। तो ये आर है, तो इनको कैसे विभिन्न तरीकों से जोड़ सकते हैं ताकि हमारे हिसाब से, हमारे मनोनुकूल जो इसका वैल्यू हो हम प्राप्त कर सकें। तो जोड़ना है प्रतिरोध को, जोड़ना, ये जोड़ने के लिए हमारे पास दो तरीका है। पहला है समान श्रेणी क्रम में जोड़ना, श्रेणी क्रम, और दूसरा क्या है, समांतर। तो श्रेणी क्रम का मतलब क्या है, समांतर क्रम। श्रेणी क्रम का मतलब क्या है कि मान लिया एक रेजिस्टेंस ये है, इसका नाम हमने दिया R1, दूसरा है ये R2, तीसरा है मान लीजिए R3, और श्रेणी क्रम का मतलब क्या है कि एक रेजिस्टेंस का, एक प्रतिरोध का आखिरी दूसरे के पहले वाले से जुड़ा है, फिर इसका आखिरी बिंदु तीसरे वाले के पहले से जुड़ा है, फिर इसका आखिरी बिंदु आगे वाले के पहले से जुड़ा है। इस तरह से हम बहुत सारे प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ सकते हैं। और अगर मान लीजिए इसमें करंट आई फ्लो कर, करंट आई धारा, विद्युत धारा इसमें आई प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ भी आई होगा और इसके इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, वो अलग अलग, वो V1 होगा, यहाँ V2 होगा, यहाँ पर V3 होगा, और टोटल A और B के बीच में मान लीजिए शुरू का बिंदु है, ये आखिरी बिंदु है A, B, तो A और B के बीच में जो पोटेंशियल है वो है V, और B किसके बराबर है, V1, V2 और V3 के जोड़ के बराबर। हम V1 को क्या लिख सकते हैं, IR1, V2 को क्या लिख सकते हैं, IR2, V3 को क्या लिख सकते हैं, IR3, और इस V को हम क्या लिख सकते हैं, V I R। R क्या है, R क्या है, ये पूरे इसका, इस कॉम्बिनेशन का प्रतिरोध है, R क्या है, इस पूरे कॉम्बिनेशन का प्रतिरोध है, तो ये R है। और आप इसको लिख सकते हैं कि R बराबर R1 R3, या हम इसे लिख सकते हैं जितना हो 1 टू n, इसको हम कहते हैं श्रेणी क्रम में, सीरीज में, सीरीज में प्रतिरोधों को जोड़ा गया है, तब हम देख रहे हैं कि इस तरह से इसका प्रतिरोध साधारण जोड़ है उसके अनुरूप हो जाता है। मान लीजिए इसका वैल्यू हो 2 ओम, R1 है, R2 है 4 ओम और 5 ओम है R3, तो R कितना हो जाएगा, R बराबर 2 प्लस 4 प्लस 5,
11। फिर इसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि समांतर क्रम क्या है। समांतर मतलब पैरेलल, और पैरेलल ये है, इसको भी हटा देते हैं। पैरेलल, पैरेलल क्या है? पैरेलल में एक ये है प्रतिरोध, मान लीजिए R1, दूसरा है R2, तीसरा है R3। यह है A, यह है B, यह R1, यह R2, यह R3। तो इस तरह से जोड़ा गया है, ऐसे जोड़ा, कैसे जोड़ा गया है? तीनों का जो शुरू वाला पॉइंट है सबको एक जगह कर दिया गया, और जो आखिरी वाला है तीनों का सबको एक जगह कर दिया गया। तो इस तरह से जोड़ने के क्रम को हम लोग कहते हैं समांतर क्रम या पैरेलल में जुड़ा हुआ। तो इसके इसके बीच में दोनों एक ही बिंदु हैं, दोनों के बीच में जो पोटेंशियल है वह है वी। और यहां है, मान लिया यहां पर करंट है आई, तो यहां पर करंट दूसरी है, यहां पर करंट दूसरी है, यहां पर करंट दूसरी है, और V सबके लिए बराबर, V सबके लिए बराबर है। तो यहां पर करंट कितना होगा? मान लीजिए I1 है, यहां I2 है, यहां I3 है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। I को हम क्या लिख सकते हैं? V बाई R। फिर R क्या है? इस पूरे सिस्टम का या इस पूरे श्रेणी का प्रतिरोध है R। तो इसको हमने लिख दिया V बाई R। V बाई R को हम फिर क्या लिख सकते हैं? V बाई R1। I1, I1 कितना है? दोनों के बीच में V, R1, फिर V बाई R2, फिर V बाई R3। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1। या यह क्रम जिसमें कि हम देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस का वैल्यू इस तरह। अगर मान लीजिए R1 का वैल्यू है 1 ओम, R2 का वैल्यू है 1 ओम, R3 का भी वैल्यू है 1 ओम, तीनों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो R का वैल्यू कितना होगा? 1 बाई R, 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? इसलिए R कितना हो गया? देखा हमने कि समांतर में जोड़ने से ऐसा लगता है कि प्रतिरोध का वैल्यू काफी कम हो गया, काफी कम हो गया। तो ये इस पर निर्भर करता है कि ये R1, R2, R3 का वैल्यू कितना है। तो इस तरह से अपने मनोनुकूल प्रतिरोध बना सकते हैं अगर हमको समांतर श्रेणी या समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने आता है, और उनका वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हम अपने हिसाब से कोई भी प्रतिरोध अपनी उस एक दिए हुए प्रतिरोध कितना होगा हम जोड़ करके एक मनोनुकूल प्रतिरोध बना सकते हैं। अब इस जोड़ने के क्रम में आपके सिलेबस में या आपकी अन्य अन्य परीक्षाओं में और इस परीक्षा में भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे